बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मौजूद नाज़रीन। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम ही लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको फास्टिंग में करीम के बारे में तफसील से बताऊँगी। नाज़रीन, इसके बारे में तफसील से बताने से पहले मेरी आपसे गुजारिश, अगर आप होम पोजिशन पर नहीं हैं तो काइंडली होम पोजिशन को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही आइकॉन बैल को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। नाज़रीन, फास्टिंग में करीम जिसकी फॉर्मूलेशन है फॉसिक, नाज़रीन ये एक बेहतरीन क्रीम है एग्नी पिंपल्स के लिए, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं उनके लिए, वैक्स करते हैं उसके बाद दाने हो जाते हैं, जब पट्टी वैक्स की टाइट नहीं होती उस नतीजे में दाने निकल आते हैं, तो ये उनको भी ख़त्म करती है, ये पीप वाले दानों को ख़त्म करती है, ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से हमारे दाने हो जाते हैं तो ये उनको ख़त्म करती है, ये सर के बदबू को ख़त्म करती है, जो सर के सीबम में से स्मेल आती है तो ये उसको ख़त्म करती है। ये एक मुफीद और फ़ायदेमंद क्रीम है एलर्जी के लिए भी, अगर एलर्जी हो जाती है, एलर्जी के नतीजे में दाने निकलते हैं तो उनको भी ख़त्म करती है। नाज़रीन, ये 15 ग्राम की ट्यूब है जो आपको 240 रुपये की इजीली मिल जाएगी। नाज़रीन, इसे मैडरा फार्मा वाले मार्केट करते हैं, ये इनकी बहुत ज़्यादा बेस्ट क्रीम है। अगर जिन्हें जिन ममालिक में ये ना मिले फॉसीमेट क्रीम, तो वो फॉसेटिक क्रीम के फॉर्मूलेशन वाली कोई भी ट्यूब दे सकते हैं। नाज़रीन, देख लें, ये इस तरह की है, वाइट कलर की ट्यूब निकलती है इसमें से, या आपके तमाम दाने एलर्जी वगैरह को बिल्कुल ख़त्म कर देगी। अब बात करें इसको लगाने का तरीका क्या है। इसको लगाने के लिए आपने जहाँ आपके दाने हुए हैं या अगर आपके सर में से स्मेल आती है तो सर धोने के बाद आपने इसको लगाना है, और पहले आपने सर को ड्राई होने देना है, दैन फिर लगाना है, और जिस जगह पे दाने हो रहे हैं स्किन पे, फेस पे, हाथों में, पाँव में, गर्दन में, तो पहले उसको ड्राई करना है दैन फिर लगाना है। इसे आप लोग एक हफ़्ते यूज़ करेंगे, इंशाल्लाह आपका ये मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। और ये ज़्यादा कोई महंगी क्रीम भी नहीं है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बस वो पेशेंट जो कि फॉसेटिक इंग्रेडिएंट से नुकसान होता हो, वो लोग इसका इस्तेमाल हमेशा अपने पहले हाथ पे करें उसके बाद फेस पे करें। सो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।